डिम्पी पहुंची कपाड़िया हाउस तो अनुज ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि डिम्पी के तो होश ही उड़ गए। जी हाँ, अनुपमा के आने वाले एपिसोड में ऐसा क्या हो गया है, आइए बताएंगे आपको हमारे चैनल टीवी विंडो पे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अनुपमा के आने वाले एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जहां पर एक और अनुपमा ने साफ साफ डिम्पी से कह दिया है कि अगर डिम्पी और समर तुम्हें कोई भी दिक्कत है इन घर वालों से या फिर यहां पर कोई भी परेशानी हो रही है तुम्हें, तो तुम सीधा इस घर को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि एक बात तो साफ है, बा कहीं नहीं जा रही। अब बा ही फैसला करेंगी कि तुम और समर इस घर में रुकोगे या नहीं, लेकिन अगर अभी भी तुम्हें इस घर में कोई भी तकलीफ है तो तुम सीधा अपना सामान उठा के यहाँ से जा सकते हो। समर ने काफ़ी कोशिश की घर ढूंढने की, लेकिन जब उसे घर नहीं मिला तो डिम्पी ने एक चीज़ डिसाइड की कि वो जाएगी कपाड़िया हाउस। लेकिन जब डिम्पी समर के साथ पहुंचती है कपाड़िया हाउस, तो वहां पर अनुज के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक ही दिन में डिम्पी लड़ के वापस लौट आई है कपाड़िया हाउस। अनुज ने साफ साफ डिम्पी से कह दिया कि अगर अनुपमा ने तुमसे कहा है कि तुम शाह परिवार में नहीं रहोगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कपाड़िया हाउस में आके रहोगी। वही अनुज जो कि डिम्पी को इतना प्यार करता था, इतना लाड करता था, जब उसने ऐसा बोला डिम्पी से, तो डिम्पी के तो होश उड़ गए। डिम्पी को यकीन ही नहीं हो रहा था सर जो कि उन्हें इतना प्यार करते थे, इतना लाड करते थे, आज ऐसे सीधा बोल रहे हैं कि तुम कपाड़िया हाउस में नहीं रह सकती हो। तो अब कहाँ पर जाएंगे डिम्पी और समर, क्योंकि अनुपमा से तो लड़के डिम्पी और समर छोड़ के चले गए हैं शाह परिवार, लेकिन अब अनुज ने भी नहीं दी है अपने घर कपाड़िया हाउस में इनको एंट्री। कहाँ जाएंगे डिम्पी और समर, क्या होगा आने वाले एपिसोड में, देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपको कितना है इंतज़ार कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अनुपमा की ऐसी अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल टीवी विंडो पर।